दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में श्रमेव जयते फिल्म का टाइटल लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। फग्गन सिंह कुलस्ते के माध्यम से श्रमेव जयते फिल्म का टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया गया और श्रमिक जयते पत्रिका भी लॉन्च की गई। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का फिल्म के डायरेक्टर सुंदर यादव ने फूलों का गुलदस्ता देखकर स्वागत किया और कार्यक्रम में आने के लिए मंत्री जी का आभार प्रकट किया। वहीं मंत्री जी ने फिल्म के गाने और पत्रिका लॉन्चिंग की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा, मैं सुंदर यादव जी का जो श्रम के ऊपर फिल्म बनाने की योजना बनाई है उसका पूरा सहयोग करता हूँ। वहीं सुंदर यादव ने और मंत्री जी ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। सुंदर यादव जी को बधाई देता हूँ कि इस टाइटल के लिए उनने पता नहीं क्या सोच करके श्रमेव जयते ये एक टाइटल उनको ध्यान में आया है कि आज इससे पूरे दुनिया के लोग जुड़े हैं। मैंने कहा कि चाहे कारखाने हो और चाहे गाँव में खेतिहार मजदूर हो और चाहे वो शहर का हो और चाहे किसी क्षेत्र विशेष में काम करने वाले लोग, सबका एक प्रकार का समावेश करते हुए इस टाइटल को इनने किया और इस पे से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन फिल्म के रूप में और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संदेश श्रमेव जयते, और ये मैं कह सकता हूँ आज, और इसलिए मैंने उल्लेख भी किया कि देश में अगर श्रमिकों के बारे में ये चर्चा भी प्रारंभ हुई है तो पहली बार हुई, और उसमें से सुंदरलाल जी हमारे ने एक छोटा में और एक पत्रिका लॉन्च करके अपने आप में एक बहुत बड़ा काम उनने शुरू किया है एक छोटे रूप में, परंतु इसका विस्तार निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में जब हम देखेंगे तो इसका कितना महत्व होगा, ये मैं केवल आज इतना ही कह सकता हूँ। और मैं एक बार इस पूरे टीम को भी बधाई देता हूँ और श्रमेव जयते इसकी प्रसिद्धि के लिए हम सब, और मैं तो आप लोगों से भी चाहता हूँ कि इसके बारे में, इस टाइटल के बारे में थोड़ा आप सब लोगों का सहयोग और इसको मिलेगा तो मुझे लगता है कि सुंदरलाल जी और उसकी पूरी टीम की एक चर्चा देश भर में होगी। ये कॉन्सेप्ट गांव के गरीब किसान मजदूर दलित शोषित पीड़ित जिनके बदौलत हम लोगों का जीवन चलती है, जिनके बदौलत साधु संत नेता अभिनेता सबके पेट में दाना डालते हैं, उनके रियल जीवन पर उनके सारी विविधाओं को लेते हुए हमने श्रमेव जयते फिल्म बनाने जा रहे हैं और एक पत्रिका श्रमेव जयते पत्रिका जो घर घर पहुँचे, श्रम एक जीवन निर्माण है, श्रम एक समाज निर्माण है, श्रम एक राष्ट्र निर्माण है। कब से फिल्म कब बनेगी? और फिल्म की तैयारी में हम लोग लगे हैं, कोशिश है कि हम लोग जनवरी से शूटिंग की तैयारी में लगे हैं। हम लोग आपके दिमाग में, क्योंकि मैं श्रमिक का बेटा हूँ, मैं खुद श्रमिक काम करता हूँ, किसानी मजदूरी करता हूँ, तो इसका मैंने कल्पना बहुत दिन से किया, फिर मैंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा चीज़ लेके जाऊँ जो आज के नया जनरेशन को नया दिशा दे, नया प्रेरणा दे। ये श्रमेव जयते फिल्म मेरे ही नहीं, हमारे देश के इतने बड़े शासक माननीय प्रधानमंत्री जी एक नहीं कईयों बार कह चुके हैं श्रम के दशा दिशा पर, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को घर घर पहुंचाने के लिए मैंने बीड़ा उठाया है, मैंने टीम तैयार किया है, हम और ताकत मिलेगा और हम प्रधानमंत्री के सपनों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे।